बघ येतोय माईक मध्ये आवाज चालू कर. प्रसाद जी चालके सर. यंग स्टार क्रिकेट क्लब देवगढ़ की ओर से टूर्नामेंट्स मैच जबकि चारी गई. आज का ये पांचवा मैच, चौथे दिन का पांचवा मैच खेला जाता हुआ. आज के दिन में कमेंट्री कक्ष में जैसे कि आपने आवाज सुनी विजय जी बागायत सर वेंगुरला से, अमित चालके कणकवली से. हमारे साथ जैसे कि कमेंट्री कक्ष में की बात हो चुके हैं, अगर अंपायरिंग की बात की जाए तो आज के दिन में जो अंपायर जिन्होंने अंपायरिंग की, कणकवली से जो अंपायर जो कोल्हापुर से सर आए, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग आपने देखी होगी. संतोषी डोकने कोल्हापुर से, अमोल जी मेस्त्री देवगढ़, मुख्तार शेख, मोहसिन होलसेकर, ये सारे अंपायर आज के दिन में आपको दिखाई देंगे. अच्छा खासा नियोजन और नियोजन के साथ ये मैच जबकि मनाया जाता हुआ, अब ये मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ कुनकेश्वर पैकेज कुनकेश्वर और से एक तरफ राम जानकी गांव खड़ी रत्नागिरी की टीम है. हालांकि टॉस जीता कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. और जबकि टीम की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अन्ना चौहान, बैट्समैन का नाम है प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज महेश दलवी, एक बड़ा नाम है क्रिकेट में महेश दलवी, रत्नागिरी के खिलाड़ी. और नौ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हैं गणेश फड़के. ये जोड़ी मैदान के अंदर अन्ना चौहान लंबा सा रन अप लेकर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामने बिल्कुल बल्लेबाज महेश दलवी स्ट्राइक के ऊपर है रत्नागिरी की टीम. यहां पर गेंद को खेला अंदरूनी किनारा नहीं, बट यहां पर गेंद को जरूर खेला, हवा में गेंद काफी देर तक रही और इस बार वन बाउंस होकर गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार, होगी चार रन. इस मैच के लिए अंपायर चुने गए हैं जबकि मुख्तार शेख और एक तरफ स्क्वायर लेग की दिशा में दीपक डगरे, ये अंपायर दिखाई देते. बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, दीपक डगरे की भी बात कीजिए, अच्छी बल्लेबाजी की थी जबकि अपने टीम के लिए मैदान के अंदर खड़े रहे और जैसे कि आखिर तक हार नहीं मानी. जबकि वेदांत जाधव की बल्लेबाजी भी देखिए, अब्बू मिस्त्री की क्या बात करें जिन्होंने भी अच्छी वहाँ पर गेंदबाजी की, आखिरी छह गेंदे किस प्रकार से डाले देखिए. यही तो क्रिकेट है, यही सोच है और युवा क्रिकेटर्स को यही कुछ सीखना है, इसलिए तो क्रिकेट अपने बोलिंग मार्फर गेंदबाजी के लिए तैयार. अन्ना चौहान दौड़ना शुरू करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार फिर एक बार बड़ा पार, इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, होगा छक्का, छह रन. यहां पर देखिए छक्का कैसे लगता है, कहां बाउंड्री आती है, कब छक्का लगता है, बैटिंग पावर प्ले जब होता है उसके ऊपर देखिए कितने बढ़िया यहां पर छक्के चौके जुड़ाते हुए ये टीम गांवखड़ी रत्नागिरी की टीम है. जबकि राम जानकी गांवखड़ी रत्नागिरी की टीम इस छह के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन. हमारे साथ अविनाश जी देवगढ़ कर जबकि स्कोर बुकिंग हैंडल करते हुए. और आज अगर देखा जाए YouTube लाइव के माध्यम से आप इस मैच का आनंद लेते हो तो दोस्तों YouTube लाइव सर्च करें टेनिस बॉल क्रिकेट .in यंग स्टार देवगढ़. अगली गेंद लेकर और इसी को हैंडल करते हुए हमारे साथ जबकि फैज भाई हो, अथर्व हो और सागर लिंगायत जी. अगली गेंद लेकर अपने बोलिंग मार्फर फिर एक बार अन्ना चौहान दौड़ना शुरू करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने गेंद और बिल्कुल यहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग मिड विकेट के दिशा में खेला, एक रन आसानी के साथ, दूसरे के लिए हाना हाना हो रहा है. और दोनों भी बल्लेबाज अगर देखा जाए गणेश फड़के और महेश दलवी, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. महेश दलवी की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं गांवखड़ी टीम के और इसे भी जहां पर ये दो रन, इसी दो रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन. पहला ओवर प्रगति पर है अन्ना चौहान, थोड़े से महंगे साबित इस टीम में अन्ना चौहान, उनका बेटा पूर्वेश चौहान भी दिखाई देगा, बाप बेटे मैदान के अंदर खेलते समय आज नजर में जरूर आएंगे अपने बोलिंग मार्फर गेंदबाजी के लिए तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार एक अच्छी गेंद निकल गई सीधे कीपर के दस्तानों में जाकर बैठती, इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, पहला ओवर प्रगति पर है. अक्सर ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है बाप बेटे मैदान के अंदर, बट अन्ना चौहान का बेटा है पूर्वेश चौहान, एक अच्छा गेंदबाज भी माना जाता है, युवा गेंदबाज है, जरूर आएगा
गेंदबाजी के लिए तैयार। पहला ओवर प्रगति पर है, बैटिंग पावर प्ले का अन्ना चौहान अपने बॉलिंग मार फराते हुए कुनकेश्वर पैकर्स, कुनकेश्वर के ये गेंदबाज अन्ना चौहान खुद कप्तान, राइट आर्म ओवर द विकेट, इसी बीच गेंद फाइन लेग होकर गेंद वन बाउंस, सेकंड बाउंस से मारे का बाहर, चार रन जरूर बनेंगे और इसी चार रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ इस बार यहां पर 16 रन 16। पहला ओवर एक महंगा ओवर जिस तरह से साबित होता हुआ अन्ना चौहान, फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर ये श्रृंखला यंगस्टार देवगढ़ क्रिकेट क्लब यंगस्टार चैंपियंस ट्रॉफी अगर देखा जाए तो सन 2024 का ये सन है और यहाँ पर देवगढ़ में एसएमजे स्कूल के पीछे यही मैदान और इसी मैदान के ऊपर ये मैच जबकि खेला जाता हुआ बहुत ही बड़ा मैच, काटो की टक्कर है, दोनों भी टीम के पास क्षमता आगे आकर खेले। इस बार हवा में गेंद काफी देर है, फील्डर तैनात है, क्या वहां पर जाकर कैच को कंप्लीट करे, या जी हाँ इसी कैच को मान लो दर्शक मान लो, ऐसे कैच अक्सर देखने को नहीं मिलते और जहां तक इस कैच को किस प्रकार से पकड़ लिया, देखिए कितने पीछे हटे और यहाँ ऐसा कैच पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है और यहाँ पर विकेट की पतन, जबकि पहली विकेट गिरती भी इस बार राम जानकी गांव खड़ी रत्नागिरी टीम की, आउट होने लगे बल्लेबाज, जबकि महेश दलवी जिन्होंने बनाए अपने टीम के लिए टोटल स्कोर 16 रन बनाकर आउट होते हुए महेश दलवी। अब नए बल्लेबाज अक्षय मिस्त्री धीरे धीरे वन डाउन के रूप में चले जाते हुए 16 रन की पारी, एक अच्छी पारी खेली अपने टीम के लिए, बेहतरीन पारी और इसी की जरूरत थी, बट यहां पर जिस तरह से आए थे आखिरी गेंद के ऊपर जिस तरह से कहीं ना कहीं रन बटोरना चाहते थे, पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर है 16 रन 16। हालांकि आज के दिन का ये पांचवा मैच खेला जाता हुआ, जो दर्शक काफी देर से आए हुए हैं तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि अब ये मैच आज के दिन का पांचवा मैच खेला जाता हुआ दो टीम के बीच में, एक तरफ टीम है कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर, एक तरफ है गांवखड़ी रत्नागिरी। हालांकि टॉस जीता कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जबकि यहां पर बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया राम जानकी गांवखड़ी रत्नागिरी टीम को। और इसी बीच यहां पर पहले ओवर में आए 16 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन टीम के ओर से, दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर इस बार गेंदबाज तैयार है। नए गेंदबाज अक्षय गावड़े, इसी बीच गेंदबाज के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अक्षय गावड़े अविनाश, जबकि हमारे साथ अविनाश देवगढ़कर, क्रिकेट में एक बड़ा मोहरा माना जाता है, क्रिकेट में जैसे कि एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, इस साल में अगर देखा जाए अविनाश देवगढ़कर ने बहुत सारे जैसे कि मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द सीरीज है, अपने नाम करके आए, यही अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बैटे स्कोर बुकिंग की जिम्मेदारी यहां पर लेते हुए, धन्यवाद अविनाश जी। और इसी बीच अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट और इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला, फील्डर तैनात है, जबकि गली का फील्डर आकर गेंद को फील्ड करे उठा ले तब तक एक रन और इस एक रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 17। दूसरा ओवर प्रगति पर है, अपने बॉलिंग मार्ग पर अक्षय गावड़े, पहले ओवर में अन्ना चौहान ने थोड़ी सी खराब गेंदबाजी की, ढिलाई गेंदबाजी की, 16 रन खर्च किए थे अन्ना चौहान ने, उसके बाद नए बल्लेबाज चले गए बल्लेबाजी के लिए अक्षय मिस्त्री, और एक तरफ अगर देखा जाए महेश दलवी की बात की जाए जिन्होंने अपने टीम के लिए 16 रन बनाए, अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार है, खारलैंड एंड से गेंदबाज तैयार है इस मैच के लिए, अंपायर चुने गए मुख्तार शेख, और एक तरफ अगर देखा जाए तो दीपक डगरे अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, दूसरा ओवर प्रगति पर, पॉइंट की दिशा में खाली क्षेत्र में से थोड़ी सी गैप मिले, लगभग एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने, दूसरे के लिए मांग करते हुए और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी टर्न बनी है भाई गेंद, जिस तरह से मौका जरूर था गेंदबाज फील्डर को कि इस गेंद को पकड़ने का, बट जिस तरह से टर्न क्यों बनी है तो कहीं ना कहीं पत्थर पत्थर को गेंद टक्कर कर वापस गई है, और यहां पर जिस तरह से यहां पर एक दो रन, इसी दो रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करते हुए सामने बिल्कुल बल्लेबाज, इसी बीच गेंद दी फाइन लेग की दिशा में, गैप है एक रन आसानी के साथ, दूसरे के लिए मांग करे, जी हाँ दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, जबकि मिड विकेट का खिलाड़ी आकर जब गेंद को फील्ड करे फाइन लेग के क्षेत्र में तब तक ये दो रन, और इसी दो रन के मदद से टोटल स्कोर 21 लॉस ऑफ वन विकेट, जबकि पहली विकेट गिरी महेश दलवी की जिन्होंने बनाए 16 रन। आज के दिन का ये पांचवा मैच खेला जाता हुआ दो टीम के बीच में, एक तरफ कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर और अपोजिट में टीम है राम जानकी गांवखड़ी रत्नागिरी की टीम,
अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर फिर एक बार दौड़ना शुरू किया। क्या तो उसे खेलना चाहते, कीपर से मिस बनी गेंद, एक रन तो आसानी के साथ पूरा किया। तो अक्षय गावड़े गेंदबाज थोड़ा सा दबाव बनाना चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं, बट इस बीच अगर देखो तो एक रन तो जरूर आया। इस एक रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22। अक्षय गावड़े अपने बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी के लिए तैयार। राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करते हुए अपने बॉलिंग को आगे बढ़ते। राउंड विकेट इस बार रिवर्स अटेंड किया है, नो मैन्स लैंड में गेंद निकल गई है, जबकि इस बार अंपायर का इशारा इंतजार हम जरूर करेंगे। काफी धूप है और इस बार अंपायर क्या करते हैं, कहते हैं चार है या छह है। जी हाँ, चार रन अंपायर का इशारा, इसी चार रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 26। दूसरा ओवर प्रगति पर है, इस ओवर में 10 रन अब तक खर्च किए हैं अक्षय मिस्त्री ने, जिन्हें यहां पर अक्षय गावड़े, माफ कीजिएगा, अक्षय गावड़े ने राइट आर्म राउंड विकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज फिर एक बार रिवर्स अटेंड करना चाहते हैं। हवा में गेंद है बट इसी बीच काफी दूर थे फील्डर, रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, फाइनली का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, तब तक एक रन और इस एक रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 27। धीरे धीरे ये स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हालांकि एक अच्छी टोटल फाइटिंग टोटल चाहिए मैदान के अंदर, क्योंकि सामने वाले टीम के पास भी वही क्षमता है। कुनकेश्वर पैकर्स और राम जानकी गाँव खड़ी रत्नागिरी की टीम यहाँ पर बेढ़त है। कुनकेश्वर के पास अगर देखा जाए तो जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, शिवदास साईम हो, गुरुनाथ घाड़ी जैसे खिलाड़ी, प्रसाद तेजम, बात की जाए तो अनाज चौहान, सुनील जुहिल जैसे खिलाड़ी, दशरथ साईम जैसे खिलाड़ी इस टीम में है। यहाँ पर अगर देखा जाए गावखड़ी के टीम में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अक्षय मिस्त्री हो, नागेश दलवी अभी भी डगआउट में है, जबकि वो बल्लेबाज मैदान के अंदर आता है तो बहुत ही बड़े बड़े छक्के देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम में भी है, सुनील मुंडे हो, संकेत हरदनकर जैसे खिलाड़ी इस टीम में। टीम का अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा ओवर खत्म हुआ है और इसी ओवर में खर्च किए रन, जबकि अक्षय मिस्त्री ने, अक्षय गावड़े ने 11 रन। नए गेंदबाज टीम की ओर से तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर इस बार हल्के हाथों से सिले मिड ऑफ किया, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए और इसे एक रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, जबकि इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है शिवदास साईम। ये तीसरा ओवर लेकर शिवदास साईम, कुनकेश्वर पैकर्स ओर से एक तरफ टीम है, गावखड़ी की रत्नागिरी की टीम है, राम जानकी गावखड़ी ये टीम, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, यंग स्टार क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में आज खेल रही है रत्नागिरी की टीम, एक तरफ देवगढ़ तालुका की टीम है, सिंधुदुर्ग जिला की टीम खेल रही है, एक तरफ रत्नागिरी जिला की टीम खेल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष होगा, कहीं ना कहीं अभ्यास होगा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में खेलने वाले खिलाड़ी हो और यहाँ पर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में खेलने वाले खिलाड़ी है, अभ्यास की इसी की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अभ्यास इस मैच का होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम भी रत्नागिरी से सिंधुदुर्ग में आते हैं खेलते हैं, मैदान का अनुभव एक्सपीरियंस होना जरूरी है। राइटर ओवर द विकेट शिवदास की एक गेंद, यहां पर पॉइंट, हवा में गेंद, फील्डर तैनात, पॉइंट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे और यहां पर कैच करे, विकेट की पतन, डगआउट में अब होना पड़ेगा बल्लेबाज जिसे आउट होकर वापस आते हुए अक्षय मिस्त्री, जिन्होंने बनाए अपने टीम के लिए केवल 4 रन और वापस आते हुए अक्षय मिस्त्री, दूसरी विकेट गिरती हुई, जबकि राम जानकी गांव खड़ी रत्नागिरी टीम की। अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए विजय तोस्कर,
इस बार ये गेंद विजय तोसकर, जबकि नए बल्लेबाज खेलने के लिए चले गए थे, उनके जैसे चले गए गाड़ लिया अंपायर से, और जबकि एक रन के लिए साथ खेला, इस एक रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का अकाउंट जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टोटल स्कोर इसी एक रन के मदद से 29 रन। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फर गेंदबाज तैयार होते हुए, विजय तोस्कर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नागेश दलवी अभी भी इस टीम में बाकी है। ये तीसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्फर गेंदबाज तैयार है शिवदास साई, राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, और सामने बल्लेबाज बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, इसे भी चल के हाथों से खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, जबकि गेंद आ चुके एक रन तेजी के साथ, और खराब फील्डिंग का नतीजा भुगतना पड़ेगा, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। एक तरफ अगर देखा जाए जहां तक बल्लेबाजी की बात की जाए तो विजय तोस्कर है, और एक तरफ बल्लेबाज गणेश फड़के, जिनकी बात की जाए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गणेश फड़के, जबकि स्ट्राइक के ऊपर है अपने बॉलिंग मार्फर गेंदबाज इसे भी शिवदास साई। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बट जिस तरह से यहाँ पर एक टोटल फाइटिंग टोटल होनी जरूरी, लगभग यहाँ इस मैदान के ऊपर 60 के आसपास तो ये टोटल बन जाएगी, तो निश्चित रूप से फाइटिंग टोटल जो दर्शकों को खुश करने वाली टोटल दिखाई देगी। और इसी बीच एक गेंद के हाथों से खेला, थोड़े से मिस फील्डिंग, एक रन तेजी के साथ निकाला, दूसरे के लिए मांग करते दोनों बल्लेबाज, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी, और इसी बीच ये दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए दोनों भी बल्लेबाज, ये दर्शाता है क्रिकेट में भागना जरूरी है, जब रन चाहिए हमें तो निश्चित रूप से हर गेंद के ऊपर एक एक रन लेकर चले जाइए, हर गेंद के ऊपर छक्का भी लगता है, हर गेंद के ऊपर विकेट भी गिर जाते हैं, हर गेंद के ऊपर तीन भी आ सकते हैं, बट भागना जरूरी है। जैसे मिल्खा सिंह भागे थे जिन्होंने अपना नंबर वन नाम लिखा, उसी तरह से आपको भागते भागते भी रन बनाने, एक फाइटिंग टोटल बनानी है जो दर्शकों को खुश करने वाली टोटल यहां पर चाहिए दोस्तों, इसीलिए कहना चाहता हूं एक फाइटिंग टोटल बना दो। एक टीम तो जीतकर चली जाएगी, एक टीम हारेगी श्रृंखला में, बट एक टीम तो जीतकर चली जाएगी, दर्शकों को खुश करके चली जाएगी, दर्शक नहीं तो क्रिकेट में मजा नहीं है, दर्शक खुश तो क्रिकेट खुश। और इसी बीच ये गेंद यहां पर अगर देखो तो विकेट की पतन, अब यहां पर डगआउट में होना पड़ेगा विजय तोस्कर जैसे खिलाड़ी, एक अच्छे खिलाड़ी जिन्हें माना जाता है, कॉल करना चाहिए था, कॉल को थोड़ा सा वेट वेट भी नहीं किया, और जैसे भागते ही रहे आप, हमने कहा था मिल्खा सिंह भागे थे और नंबर वन दौड़े थे, आपको रन में दौड़ना है तो कॉल करके दौड़ना है, जहां रन बनना है वहां पर ही आपको भागना है। और इसे बीच यहां पर केवल एक रन, इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर 34। अब नए बल्लेबाज नागेश दलवी, जो इस बल्लेबाज के पास वो क्षमता है, नागेश दलवी रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने देखा बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेला ये नागेश दलवी, इसी के ऊपर पूरा मैच अब डिपेंड करता है। एक अच्छी टोटल जब चाहिए, पांच ओवर का मैच यहां पर खेला जाता है, कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर और सिर्फ गांवखड़ी की टीम खेल रही है, रामजान की गांवखड़ी, शिवदास साईम, जबकि ओवर नंबर नए गेंदबाज इसी बीच गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए प्रसाद, इस बार गेंदबाजी के लिए तैयार प्रसाद तेजम, जी हाँ हमने सोचा था कि पूर्वेश चौहान गेंदबाजी के लिए भी आएंगे, बट यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया, शॉर्ट स्क्वायर लेकर दिशा में गेंद निकल गई, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, स्कोर को बनाना है, एक अच्छी टोटल यहां पर रखनी है, सामने वाली टीम भी कुनकेश्वर पैकर्स टीम के पास भी क्षमता है, जो फाइटिंग टोटल आप बनाएंगे उसी को चेस करने की भी क्षमता है, और गांवखड़ी के पास भी जैसे नागेश दलवी जैसे खिलाड़ी जब आप स्ट्राइक के ऊपर है तो निश्चित रूप से यहां पर बड़े बड़े छक्के चौवे आ सकते हैं, जबकि चौथा और प्रगति पर है प्रसाद अपने बॉलिंग मार्फ आते हुए, इस बार नागेश दलवी गेंद को खेले, गेंद सीमा रेखा पार होगा, शटकर 6 रन, हमने पहले ही कहा है कि नागेश दलवी जब विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो यहां पर बड़ी टोटल जरूर दिखाई देगी, पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद अपना अकाउंट ओपन किया, टीम को आगे बढ़ाया, टीम का स्कोर इसी 6 के मदद से छलांग लेकर बढ़ता हुआ इसी 6 के मदद से टोटल स्कोर है
41 रन। जिस बीच यहाँ पर नागेश दलवी आकर मैदान के अंदर बरस रहे, बस हो गए मेरे भाई, बस हो गए, इतने सारे क्या क्या करेंगे उधर। जबकि 41 रन, धीरे धीरे ये लक्ष्य जबकि 60 के आसपास ये टीम पहुंचना जरूर चाहती है, कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल जो ध्यान में रखा है स्कोर उसी के पास पहुंचना चाहती है टीम। एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट माहौल अच्छा है अगर देखा तो दोस्तों, जरूर कहना चाहता हूँ यंग स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से टूर्नामेंट्स में जब से जारी हुए पहले दिन से पूरी तरह से टालियों के साथ स्वागत हो रहा है इस मैनेजमेंट का। बहुत ही अच्छा यहाँ पर नियोजन आयोजन जबकि किया गया है, बहुत ही अच्छा नियोजन, और नियोजन के साथ देखिए यहाँ पर ये सारे मैचेस अच्छे बने। और इस बार ये गेंद, जबकि इस बार गेंद को डिफ लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, तब तक यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे बट केवल एक ही रन, और इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। 42 अगर विकेट की बात की जाए तो 3 विकेट जैसे गिरे हैं, जबकि 42 लॉस ऑफ 3 विकेट। 14 ओवर प्रगति पर अपने बॉलिंग मार्फर इस बार गेंदबाज प्रसाद तेजम गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर डाला था। अन्ना चौहान जिन्होंने 16 रन खर्च किए थे, अक्षय गवड़े आए जिन्होंने 11 रन खर्च किए थे। तीसरा ओवर अगर देखा जाए थोड़ा सा अच्छा गिरा था शिवदास साइम का, उसके बाद प्रसाद तेजम राइट आर ओवर द विकेट, और सामने बिल्कुल बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जबकि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए गणेश फड़के के लिए। इस बार बड़ा प्रहार, नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीमा रेखा बाहर, फाइनल एक छक्का होगा, और इससे भी जहां पर इस 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ छलांग लेकर इस बार धीरे धीरे इसी 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 48। एक अच्छा स्टार्ट दिलाती हुई ये टीम रामजान की गांवकड़ी रत्नागिरी की टीम 48। अगर देखा जाए तो ये टोटल भी थोड़ी सी कम नहीं है बट जिस तरह से सामने वाले टीम के पास भी गेंदबाजी अच्छे है, रामजान की गांवकड़ी रत्नागिरी की टीम एक अच्छी टीम मानी जाती है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, जबकि मैदान के अंदर नागेश दलवी जब तक खड़े तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 75 के आसपास टोटल दिखाई देगी। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, और इसे एक रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इक्का दूसरे का सहारा भी है, हर गेंद के ऊपर देखिए कोई छक्के नहीं लग जाते बट जिस तरह से यहाँ पर एक छक्का लगने के बाद, खराब गेंदे के ऊपर एक छक्का आने के बाद एक रन जिस तरह से दिया, रन को रोटेट कर रहे हैं ये खिलाड़ी दोनों भी, क्योंकि इसीलिए रोटेट कर रहे हैं कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है कि हर गेंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और गेंदबाज को यही समझना है कि हमें एक आध गेंद जैसे कि डॉट भी डालनी है और फील्डिंग अच्छी करनी है, कहीं ना कहीं रोकना है बल्लेबाजों को, तब कहीं ना कहीं आप भी कमबैक कर सकते हो। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार नागेश दलवी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फसल हो गए और यहां पर असफल, और यहां पर अगर देखा जाए विकेट की पतन नागेश दलवी, जबकि जिन्होंने एक छक्का जोड़ाया था अपने टीम के लिए और आउट होकर वापस पैवेलियन में आते हुए बात हो जाए तो, जबकि यहां पर 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 4 ओवर में जबकि टोटल स्कोर है 49 रन। अब नए बल्लेबाज बाशित बटीवाले धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए रामजान की गांवकड़ी रत्नागिरी टीम में से बाशित बटीवाले, इसी बीच आखिरी ओवर जबकि इनिंग है उसी का फायदा उठाना चाहते हैं, बचे हुए 6 गेंदे इस ओवर के आने शेष है। बहुत ही अच्छा नियोजन के साथ ये मैच जब खेला जा रहा है, अब पूरी जिम्मेदारी है एक तरफ नागेश दलवी आउट होने के बाद गणेश फड़के जिनके कंधे के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है। बॉलर से नाव संगा, बॉलर्स नेम प्लीज 49 इसी बीच गेंदबाजी के लिए तैयार राइट आर्म राउंड और द विकेट गेंदबाजी करेंगे, और सामने बिल्कुल बल्लेबाज जबकि इस बार स्ट्राइक के ऊपर है नागेश दलवी की जगह, जहां इस बार देखो तो जहां तक गणेश फड़के ने गेंद के ऊपर प्रहार किया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेजा, थोड़ा सा फाइन होकर गेंद निकल जाती हुई 1 बाउंस बाउंड्री सीमा रेखा बाहर, 4 रन
बेहतरीन चौका, और इसे 4 रन के मदद से थोड़ा सा छलांग लेती हुई ये टीम राम जानकी गांव खड़ी रत्नागिरी की टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती है और टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर टीम ने, और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए जैसे कि महेश दलवी चले गए थे ओपनिंग के रूप में जिन्होंने बनाए थे 16 रन, और उसके बाद जबकि अक्षय मिस्त्री जिन्होंने बनाए थे 4 रन, एक अच्छी साझेदारी बनी थी। उसके बाद गणेश फड़के की बात की जाए और एक तरफ नागेश दलवी चले गए जिन्होंने एक छक्का भी जुड़ाया, और इस बीच टोटल स्कोर है इसी 4 रन के मदद से इसी बार फिर एक बार वही दिशा वही जगह वही बाउंस और वहां पर ही टिप्पा गिरा गेंद से मारे का बाहर, दूसरा चौका बैक टू बैक दूसरा चौका यहां पर निकलता हुआ, जबकि इस बीच गणेश फड़के के बल्ले से इसी 4 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जबकि थोड़ा सा छलांग, और इस बीच अगर देखा जाए तो इक्यावन 57 टोटल स्कोर 4 विकेट गिर चुके हैं और टोटल स्कोर है 57। बात की जाए तो एक अच्छी टोटल और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज के लिए तैयार है अपने बॉलिंग मार पर दौड़ना शुरू करते हुए। इस बार अगर बात की जाए शिवदास साइम थोड़ी सी खराब लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करे, आखिरी ओवर में देखिए बल्लेबाज को रोकना जरूरी होता है बट जिस तरह से आजकल बल्लेबाजी हावी होते हैं इस बार रिवर्स अटेम करना चाहते थे, और इसी बीच हल्की सी अपील बनी है बट अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है जबकि अपील जरूर की थी बट जिस तरह से रिवर्स के लिए अटेंड किया था बल्लेबाज को और अंपायर ने भी देखा कि अगर इनर होता तो निश्चित रूप से वहां पर आउट करार कर देते बट अंपायर की भी निगाहें कसे हुए अंपायर दीपक डगरे माने तो स्क्वेयर लेग की दिशा में, और मुख्तार शेख सर की बात की जाए तो स्ट्राइकर अंपायर के रूप में खड़े हैं, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग आज के दिन में। अंपायर की बात अपने तमाम दर्शकों को पता होगा कि संतोष जी डोकने सर कोल्हापुर से जिन्होंने भी अंपायरिंग की, अमोल मिस्त्री सर ने भी अंपायरिंग की इस मैदान के ऊपर, इस बार एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट खेलना चाहते एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद निकल गई सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए बेहतरीन चौका, इसी की जरूरत है आखिरी जो ओवर होते हनामारी के ओवर होते उसी में जबकि हाना बोलना है कहीं ना कहीं बल्ला बोलना जरूरी होता है और बल्ला जब बोलता है तो स्कोर बढ़ जाता है, इसी 4 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जबकि 61 रन जबकि टोटल यहां पर बनता हुआ। अगली गेंद इसी बीच ये गेंद यहां पर आए महेश यहां पर गेंद को खेल दिया है और यहां जैसे विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद था और यहां पर डगआउट में होना पड़ेगा गणेश फड़के को जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली अपने टीम के लिए, गणेश फड़के जिन्होंने रन बनाए अपने टीम के लिए 15 गेंद में 31 रन, ये टोटल जबकि बनाए हैं 15 गेंद में 31 रन। आखिरी गेंद के ऊपर क्या एक गेंद डॉट निकल जाएगी, क्या इस गेंद के ऊपर 1-2 रन आ जाएंगे या चक्का चौवा, और इसी बीच गेंद थोड़े से लेग स्टिक से बाहर भटकने वाली गेंद को खेला जरूर, और इसी बीच यहां पर विकेट की पतन रनआउट के रूप में विकेट गिरी है और ओवर नंबर अगर देखा जाए 5वां ओवर खत्म होता हुआ, 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 61 और जीतने के लिए 62 रन का लक्ष्य रखा है जबकि सामने वाली टीम कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर के सामने, हालांकि टॉस जीता था कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और गांवखड़ी रत्नागिरी टीम जो कि राम जानकी गांवखड़ी की टीम यहां पर खेली जिन्होंने अपने कहीं विकेटें यहां पर गमाए जबकि अगर देखा जाए तो 6 विकेट जबकि गमाकर 61 रन बनाए 61 रन और 62 रन का लक्ष्य रखा है सामने बिल्कुल जबकि कुनकेश्वर पैकर्स कुनकेश्वर टीम के सामने। ये सब कुछ अब यहाँ पर जरूर तय होगा, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कमेंटेटर्स जबकि हमारे साथ कौन
आंखों देखा हाल आप जरूर सुनेंगे हमारे साथी कमेंटेटर्स विजय जी बागा सर मैन फ्रॉम वेंगुरला से, उनके मधुर आवाज से आप जरूर ये कमेंट्री सुन सकते हैं। तब तक के लिए तमाम दर्शकों से मैं मनोज मयकर रजा लेता हूँ, धन्यवाद। एक बार इस प्रतियोगिता में सभी दर्शकों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत। यहाँ पर अब लक्ष्य है कुणकेश्वर देवगढ़ को 62 रन जुटाना है 30 गेंदों में, और जहाँ तक 62 रनों का जहाँ तक सवाल, कुल मिलाकर 62 रनों में अच्छा खासा योगदान रहा था। बल्लेबाज महेश ने 16 रन अर्जित किए, उसमें 2 चौके शामिल, 1 छक्का शामिल। गणेश ने 31 रन जुटाया जिसमें 4 चौके 1 छक्का शामिल। अक्षय ने 5, विजय ने 1 और नागेश ने 7। कुणकेश्वर कप्तान संगनायक कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क साधा। कुणकेश्वर संगनायक कृपया ताबड़तोब कमेंट्री बॉक्स से संपर्क साधा। तो लक्ष्य अब 61 रन का इस मैच को जीतने के लिए। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा योगदान रहा है यहाँ पर बल्लेबाजों का, और उन अच्छे खासे योगदान के बदौलत 60 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है 5 ओवर में। 61 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। अगला पायदान रहेगा उनका, लेकिन एक कड़ी कश्मकश रहेगी इस मैच में। कुल मिलाकर जहाँ तक बल्लेबाजों का जहाँ तक सवाल, पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली और उसी अपेक्षा में अब देखना होगा कि कुणकेश्वर के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। कुणकेश्वर पैकर्स उनके बॉलर्स उतना अच्छा खासा योगदान नहीं कर पाए पिछले इनिंग में। वो सटीक गेंदबाजी नहीं थी, वो विश्वसनीय गेंदबाजी नहीं थी जिनके सामने रत्नागिरी के बल्लेबाज कुछ हद तक घुटने पर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव 11 कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क साधा। बैट्समैन नेम अन्ना चौहान और अन्ना चौहान और दशरथ प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की ओर। फिर एक बार मैं बता दूं उन दर्शकों के जानकारी के लिए, यंगस्टार देवगढ़ आयोजित टेनिस बॉल प्रतियोगिता का 14 दिन और शाम के 17 का अब और एक महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर खेला जा रहा है।
कुणकेश्वर बनाम रत्नागिरि के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रत्नागिरि ने 5 ओवर में 60 रन अर्जित किए, एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया स्कोरबोर्ड पर। अब ये देखना होगा कि ये विशाल स्कोर का किस तरह से पीछा करते यहाँ पर कुणकेश्वर के बल्लेबाज। बोलर्स नेम महेश। अन्ना चौहान और दशरथ। देखिए फील्डिंग के ऊपर नजर डाले हम, एक फ्लाइंग स्लिप लगभग शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक वाइडिश पॉइंट भी कहा जाएगा, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है, थोड़ा सा स्क्वायर है वाइड का, वो भी वाइड कहा जाएगा। नेवर की पहली गेंद और पिच गेंद, हाफ वाली बनाकर गेंद को लिफ्ट किया मिड ऑफ के ऊपर से और एक कैच, लगभग गेंद उनके झोली में आई थी लेकिन आखिर के वक्त गेंद उनके हाथ से फिसल गई और इस बीच 2 रन मुकम्मल किए। एक जीवन दान कहा जाएगा अन्ना चौहान को, हाफ चांस था, जीवन दान तो नहीं कहा लेकिन हाफ चांस को अगर इस मैच में अगर जीतना चाहते यहाँ पर रत्नागिरि की टीम तो हाफ चांस को भी फुल चांस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है उनके सामने। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, हाफ पिच गेंद थी जिसे हाफ ट्रैकर भी कहा जाता है, दूसरे शब्द में वाइड का इशारा था वो अंपायर का। एक्स्ट्रास ने अपना खाता खोला, एक्स्ट्रास बढ़ते हुए एक और कुल रन संख्या बढ़ती हुई 3 बगैर किसी नुकसान के 60 रन के जवाब में पहले ही ओवर में। अब देखना होगा कि फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी होती है या नहीं, हालांकि पहले 2 ओवर मेरे ख्याल से पहले एक ही ओवर सर्कल का पावर प्ले ऑप्शन के बाहर और बाहर जाते हुए फिर एक बार वाइड का इशारा आता हुआ लगातार ये दूसरा वाइड। अपनी एकाग्रता भंग हो चुकी है मेरे ख्याल से महेश की। इस एक्स्ट्रास के साथ कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 4। हर एक ओवर में एक तो लंबी हिट लगनी चाहिए। रिवर्स खेलने की कोशिश, फिर एक बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, स्विच हिट जिसे कहा जाता है, जिसे दूसरे शब्द में ग्रामीण शब्द में अल्टी पल्टी भी कहा जाता है लेकिन एक क्रिकेट के भाषा में कहा जाता है जिसे रिवर्स स्वीप कहा जाता है, और उसी के खोलने की कोशिश में चकमा खा गए और बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। लगातार 3 एक्स्ट्रास। ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाते हुए फिर एक बार वाइड का इशारा होता हुआ, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए और लगातार एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं यहां पर महेश। ऐसे दृश्य काफी कम देखने को मिलते टेनिस क्रिकेट में लेकिन यह दृश्य काफी आसान होता हुआ इस मैच में 4 लगातार एक्स्ट्रा रन। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड और करती गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, हालांकि आनंद पानंद स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बल्ले के बीच में संपर्क नहीं रहा और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को हल्के से खेला ऑन साइड पर वाइडिश शॉर्ट मिड ऑन पर, जब तक आते वाइडिश मिड ऑन से फील्डर गेंद को फील्ड करते एक आसान रन पूरा किया। हालांकि मैंने अभी अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस मैच में अगर जीतना चाहते यहाँ पर कुणकेश्वर की टीम तो हर एक ओवर में कम से कम 2 चौके या एकाधिक छक्का और सिंगल डबल आने चाहिए और कोई उनके सामने ऑप्शंस नहीं है, पर्याय नहीं है और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि एक विशाल स्कोर खड़ा किया है रत्नागिरि के बल्लेबाज ने। क्रिकेट में कहा जाता है अगर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, मानसिक दबाव रहता है तो कभी कभी बल्लेबाज उसके नीचे दब जाते, ये देखना होगा। फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश और अंपायर बैट्समैन मांग कर रहे शायद गेंद वाइड होगी लेकिन अंपायर का दीपक बता रहे कि गेंद कहां पर जा रही है, आप कहां पर खेल रहे हो और गेंद कहां पर जा रही है, समझा रहे बल्लेबाज को। लव किया इस बार दबा हवा में, गेंद जा रही है, गेंद जा रही है डीप मिड ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे और आउट, विकेट नंबर 1 होता हुआ पहला विकेट का यहां पर पतन। लेकिन जहां तक अपने आप पे नाराज रहेंगे महेश, कुल मिलाकर अब तक गेंद डाल चुके 5 गेंदे हो चुके, 5 गेंदे में कुल मिलाकर रन दिए 6 7 7 रन खर्च कर चुके, उसमें से 4 एक्स्ट्रा रन वो दे चुके वाइड के रूप में। गेंदबाजी काफ़ी अच्छी की है लेकिन जहां तक दिशा का जहां तक सवाल, नियंत्रण का जहां तक सवाल, दिशा में भटक गए, दिशा खो गए इसी ओवर में महेश। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 7-1 विकेट के नुकसान पे।
देवगढ़ की जो ये जो भूमि है, ये देवगढ़ की भूमि, देवगढ़ का जो इतिहास है वो कभी यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने कहा था दोपहर के सत्र में, 30 साल से यंगस्टर देवगढ़ का नाम है टेनिस क्रिकेट में। और उसके पीछे उनके समर्थकों की काफ़ी बहुत बड़ी मेहनत है। और उसके सर्वे सर्वा बाबा आचरेकर, जो अभी अभी मेरे साथ में चर्चा कर रहा था हमारे डायस पे, तो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से क्रिकेट में बदलाव हुआ है। पुराना क्रिकेट कैसा था, उसके बाद बीच वाला क्रिकेट कैसा, और अब जो यंग जनरेशन है उसमें किस तरह से क्रिकेट चल रहा है। और सही वर्णन किया उन्होंने जब हम संभाषण कर रहे थे मैच के बीच में। फुल टॉस, गेंद, गेंद कनेक्टेड बल्ले पर ढंग से, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनार गया, गेंद लुढ़क गई फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर, ओवर नंबर एक मुकम्मल हुआ और एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 7। हमारे कमेंटर बॉक्स में साथी कमेंटेटर अब स्कोरिंग का काम संभालते हुए बहुत ही अच्छी कमेंट कर रहे हैं वो प्रसाद चालके, और उसके साथ स्कोरिंग का दायित्व बहुत ही अच्छी तरह से संभालते हुए। अब इक्वेशन 24 गेंदे और 55 रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। SM हाई स्कूल का ये मैदान देवगढ़ का, उस मैदान पे पिछले 3 दिन से ये प्रतियोगिता चल रही है। एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 3 दिन से, और आज ये प्रतियोगिता का 14 दिन। बॉलिंग में परिवर्तन, सुनील के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है, राउंड द विकेट पर गेंदबाजी करेंगे, अगर लेफ्ट हैंडर हो तो ओवर द विकेट। फील्डिंग का नजारा, एक फ्लाइंग स्लिप, एक वाइड गली, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक स्वीपर कवर या डीप एक्स्ट्रा कवर भी कहा जाएगा। राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वायर कट करना चाहते थे, चकमा खा गए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। और जहां तक टॉस के लिए संतोष सपकाल के शुभ हस्ते, जो अगला मैच हो रहा है ध्रुव स्पोर्ट्स बनाम, इसके बाद जो मैच होगा इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, MSRT तुलस बनाम ध्रुव स्पोर्ट्स कणकवली। ध्रुव स्पोर्ट्स ने टॉस जीता और डिसीजन हम बताएंगे हमें थोड़ी देर के बाद। ठीक है। तुलस गांव की, जो वेंगुर्ला तालुका की गांव का तुलस गांव है, वहाँ की टीम इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी है। इस बीच इस गेंद को खेला ऑन साइड पर, मिड ऑन पर, डीप मिड ऑन पर एक रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 8। जहाँ तक तुलस गांव का जहाँ तक सवाल, इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। तुलस गांव के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे टेनिस क्रिकेट में, जो ऑफ स्पिन डाला करते थे। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट आर्म गेंद, पुल गेंद को हाफ कॉक पुल किया, गेंद जा रहे वाइड लॉन्ग ऑन पर और आउट। विकेट नंबर दूसरा खोता हुआ, दूसरा विकेट का यहाँ पर पतन, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अब ये कहना पड़ेगा कि अब कुणकेश्वर की पारी लड़खड़ाती हुई। नए बल्लेबाज अब शिवदास। मैं चर्चा कर रहा था तुलस गांव के बारे में। तुलस गांव में एक बालू बेरे करके खिलाड़ी थे, उस जमाने में सबसे बहुत ही बढ़िया ऑफ स्पिनर करके वो उभरे थे। शार्प टर्न करते थे, जैसे मुथैया मुरलीधरन गेंदबाजी करते थे वैसे वो बॉलिंग करते थे, मैंने देखा था। 5 साल वो लगातार वो उन्होंने टेनिस क्रिकेट में कारनामा उन्होंने किया था। अलग अलग टीम से वो खेलते थे, खासतौर पर शिव छत्रपति जो बटवाड़ी की जो टीम थी वेंगुर्ला की, हाँ उस टीम से भी खेलते थे, कभी तुलस गांव से भी खेलते थे। लेकिन उस जमाने में सबसे बहुत ही बढ़िया गेंदबाज थे ऑफ स्पिनर, और वो फास्टर रन भी बहुत अच्छी तरह से डालते थे। लेकिन उस जमाने में सबसे शीर्ष स्थान पर ऑफ स्पिनर के रूप में वो गेंदबाजी करते थे, बालू बहरे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को टैप किया, गेंद जा रहे बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। हल्की सी मिसफील्डिंग, खतरा हो सकता था, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट। हल्की सी हाना हुई थी लेकिन कोई हानि नहीं हुई। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9।
अलग अलग तालुका में अलग अलग खिलाड़ी है, जैसे विजय केरवड़ा 90 से 2000 के दशक में उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया था टेनिस क्रिकेट में, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारे आनंद पानन स्ट्रोक जिसे कहा जाता है खेलना चाहते थे मिड विकेट के बगल से, एक रन फिर एक बार हाना हाना, लेकिन इस बीच दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया। इस दो रन के साथ स्कोर अप बढ़ता हुआ दो अंकों में 11 11 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट। ध्रुव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय। कल कुल मिलाकर 7 मैचेस होंगे प्रतियोगिता का जो अंतिम दिन रहेगा, 4 क्वार्टर फाइनल के मैचेस, उसके बाद 2 सेमीफाइनल्स और उसके बाद फाइनल। बोलर्स ने स्कोर यहां पर रुका हुआ विजय, बॉलिंग में परिवर्तन, ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई वाइड का इशारा आता हुआ फिर एक बार अंपायर्स का एक्स्ट्रास बढ़ते हुए अब 5, कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई 12। इक्का दुक्का से काम चलने वाला है नहीं, अब इस मैच को जीतना चाहते हो तो अब आक्रामक रवैया अपनाना ही होगा। यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर इस मरदमा फिर एक बार बैकवर्ड पर गए, अपने आप को पोजिशन पर लाया, गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया थ्रो लॉन्ग स्ट्राइक रेंज पर सीधे बॉलर के दस्तान में, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 13। ये कहना पड़ेगा कि रत्नागिरी के बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया था और शुरू से ही उन्हें ठान लिया था कि हम विशाल स्कोर ही करेंगे और सफल भी हुए, और उनके बल्लेबाजों ने, उनके बोलर्स ने उनके बल्लेबाजों को सही ढंग से अब सपोर्ट किया है। लॉफ किया इस बार दबाव मिड ऑफ के ऊपर से वाइडिश, लॉन्ग ऑफ के फील्डर आ रहे गेंद के नीचे और आउट, विकेट नंबर 30 गिरता हुआ। और अब ये कहना पड़ेगा कि अब मैच में कुछ हद तक अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है, शीर्ष के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं वो भी मात्र 13 रन पर। फिर एक बार मैं बता दूं उन दर्शकों के जानकारी के लिए जो दर्शक अभी अभी चाय पान के बाद मैदान के ऊपर आए हुए या अभी अभी चाय पान के बाद यूट्यूब से जुड़े हुए, उन दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं यंगस्टार देवगढ़ आयोजित प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का 14 दिन और शाम का 17 का महत्वपूर्ण मैच, पहली इनिंग में 60 रन जुटाए यहाँ पर रत्नागिरी की टीम ने, लक्ष्य रखा 61 का और उसका पीछा करते हुए पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर ये प्रगति पथ पर। पांच खिलाड़ी ऑफसाइड पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक वाइड गली, एक डीप पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन, 5 खिलाड़ी ऑफसाइड पर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। विजय तैयार उठाने की कोशिश, फिर एक बार ऊपरी किनारा गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में, गेंद को आने दिया, कबूल किया उस कैच को और एक आसान लॉलीपॉप कैच लपका, इस तरह ये और एक विकेट का पतन। और मैं अभी भी इस गेंद के पहले में चर्चा कर रहा था, अब मैच में मात्र औपचारिकता ही रह गई है, अब जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि कुणकेश्वर के बल्लेबाज ने अब पूरी तरह से अपने घुटने टेक दिए। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, जो एक एग्जाम्पल, एक सही मिसाल पिछले मैच में देखने को मिली थी। एक समय ऐसा था कि 2 के ऊपर 4 विकेट खोए थे, साहिल ने 4 विकेट खोए थे, लेकिन उसके बाद 50 रन हमने देखे थे उस मैच में और देवगढ़ की टीम उस मैच में जीत उन्होंने दर्ज की थी। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होती, और कभी कभी ज्येष्ठ क्रिकेट विश्लेषक भी कभी कभी गलत साबित होते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। जब मैंने प्रिडिक्शन की थी, जब वर्ल्ड कप के बारे में जब मैं स्तंभ लेखन कर रहा था तरुण भारत में, तब मैंने 99% कहा था कि भारत किसी भी हालत में उस वर्ल्ड कप को जिताएगा, लेकिन आपने देखा सभी ने, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में।
ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, हाफ वॉली बनाकर गेंद को लिफ्ट किया, मिड विकेट के ऊपर से एक रन पूरा किया बैट्समैन ने, खतरा नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन नॉट आउट का अंपायर ने। इस दो रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 15 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। ये कुल मिलाकर ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। इस ओवर की ये गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, ऑफ द टोस जिसे कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। हालांकि जब गेंद टिप पर गिरा था उसी समय अपना दहाई पर बाहर निकाला लेफ्ट हैंडर के बैट्समैन ने और गेंद को ऑल अलोंग विद कारपेट खेला ऑन साइड पर वाइडिश मिड विकेट पर। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 16। जहाँ तक यंगस्टार का, जहाँ तक नाम का, जहाँ तक सवाल इस गेंद के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नाम का जहाँ तक सवाल है किसी भी टीम का यंगस्टार, लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी बाहर थी, छोड़ दिया गेंद को, ओवर मुकम्मल हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 16 रन तीन विकेट के नुकसान पे। इसके बाद जो मैच होगा ध्रुव इलेवन बनाम एमएसआरटी, तुलस टॉस जीता, ध्रुव इलेवन के कप्तान और पहले बल्लेबाजी करने का निश्चय। तो मैं चर्चा कर रहा था यंगस्टार के नाम के बारे में, यंगस्टार देवगढ़ एक टीम है और एक जमाने में यंगस्टार परबोड़ा जो वेंगुरला की टीम थी वो भी उस जमाने में फुल फॉर्म में थी। एक जमाने में दो यंगस्टार है, दोनों यंगस्टार अपने अपने जमाने में फुल फॉर्म में थे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था उस जमाने में उनके बल्ले से उनके बॉलर्स के द्वारा। लेकिन यंगस्टार देवगढ़ ने अपने टीम को फिर एक बार उर्जितावस्था में लाया है। एक जमाने में यंगस्टार देवगढ़ का जहाँ तक सवाल, अमोल मिस्त्री, उदय रुमड़े, अच्छे खासे संतोष सपकाल जैसे अच्छे नामचीन अच्छे बल्लेबाज थे, बॉलर्स थे। लक्ष्य को तोड़ सी बाहर थी, गेंद को फुल टॉस बनाकर गेंद को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जब तक मेरे विकेट से फील्डर आते फील करते थ्रो करते, बहुत ही खूबसूरत थ्रो विकेट कीपर के ग्लव्स में। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 17 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स। चौथा ओवर चल रहा है, चौथा ओवर ये चलता हुआ, शांत क्रिकेट, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जोखिम नहीं, लेकिन अब जोखिम लेके भी कुछ फायदा नहीं है। लेग स्टंप के बाहर गेंद को मोड़ दिया, फुल टॉस गेंद, गेंद को लगभग दिवाली का एक बोनस था, वो बोनस कबूल किया बल्लेबाज ने और गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से, गेंद गोली की रफ्तार से निकल पड़ी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स। शुरू के पहले इनिंग में रन बन नहीं रहे थे, रन बह रहे थे, क्योंकि शुरू में ही रत्नागिरी के बल्लेबाजों ने लगभग रनों की फसल कटी थी, जब चाहे जहां चाहे उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन उसके विपरीत इस इनिंग में देखने को मिल रहा है। लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी बाह पर बाहर निकाला, गेंद को मोड़ दिया कलाई के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जब तक आते डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से फील्डर गेंद को फील करते एक आसान रन, टहलते टहलते चलते चलते मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22। इक्का दुक्का से काम चलेगा नहीं, इस मैच को अगर जीतना चाहते, इस प्रतियोगिता में अपने आप को कायम रखना चाहते तो अब छक्के चौके लगने ही चाहिए। यहां पर ऑप्शन के बाहर और बाहर जाती हुई वाइड का इशारा, काफी सपोर्ट भी मिल रहा है एक्स्ट्रास के द्वारा। कितने एक्स्ट्रास आए कुल मिलाकर इस इनिंग में? 6 एक्स्ट्रास कुल मिलाकर। ड्राइव करने की कोशिश, इस मर्तबा और आउट, तो ये पांचवा चौथा विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। गेंद ऐसी, एक ऐसी गेंद जो ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर थी, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद एज लगकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग का काम संभाल रहे प्रसाद चालके, वो खुद अच्छे मराठी कमेंटेटर है और सुबह से वो कमेंट्री कर रहे हैं, मैं उनसे जुड़ा 12 बजे से और अब वो स्कोरिंग का काम संभालते हुए।
के बाहर, बैकफुट पर गए, गेंद को खेला, एक रन पूरा किया। लेकिन अब ये कहना पड़ेगा कि अब मैच में मात्र औपचारिकता, मात्र ही फॉर्मेलिटीज रह गई है और बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कुणकेश्वर के बल्लेबाजों द्वारा कि अब उन्होंने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। स्टंप के बाहर गेंद ने टॉप एज लिया और कैच छूटा, यहाँ पर एक लॉलीपॉप कैच और आउट शायद, यस स्क्वायर लेग अंपायर ने उंगली ऊपर कर ली। और ये अब कहना पड़ेगा कि रत्नागिरी के बल्लेबाजों ने पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद उनके बॉलर्स ने बढ़िया काम किया और उनके फील्डर्स ने भी बहुत ही अच्छा खासा काम करके अपने बल्लेबाजों को सपोर्ट्स किया और जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की उस बल्लेबाजी को व्यर्थ नहीं किया और देखते देखते एक विशाल जीत की ओर अग्रसर होती हुई आप ये टीम। और एक हमारे साथी कमेंट्री में नाम लेना भूल गया, मनोज मयकर सर, और वो भी सुबह से हिंदी बहुत ही बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं हिंदी का और आंखों देखाल सुना रहे। और ये कहना पड़ेगा कि सिंधुदुर्ग में कमेंटेटर्स की कोई कमी नहीं है, कमेंटेटर्स के जहाँ तक क्वालिटीज का जहाँ तक सवाल, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स है सिंधुदुर्ग में। और चेक कर दो, षटक संभले तो कमेंटेटर्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स है। शुरुआत के दौर में मुझे याद है 90 से लेकर 2000 के दशक में कृष्णा देव जी हो या बेंगुरला के एक जो एक एसटी कंडक्टर थे हल्दनगर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसके साथ अशोक ठोमरे थे, तब उस मेरे साथ समीर पांडे थे, उसके साथ राजा सामंत उस जमाने थे, उसके बाद धीरे धीरे कमेंटेटर्स की संख्या बढ़ती हुई और अब प्रदीप देवुलकर हो, बादल चौधरी हो, प्रसाद चालके हो, मयकर हो, अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स अब सिंधुदुर्ग में कमेंट्री का दायित्व संभालते और समर्थक के साथ संभाल रहे। मैं तो उनकी प्रशंसा करूँगा निश्चित रूप से सभी की। उसी के साथ श्याम वाकर भी अच्छे कमेंटेटर्स है जो कमेंटर संगठन के अध्यक्ष है। उसी के साथ और बांदा के जय भोसले, वो भी बहुत अच्छी कमेंट्रीज करते, वो हमेशा गोवा में जुड़े रहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छे अंपायर्स हैं हमारे सिंधुदुर्ग में, जैसे अमोल मिस्त्री हो या मोहसिन हो या उमेश मांद्रेकर हो, अच्छे कॉमेंट सभी में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में, क्रिकेट में सभी अंगों में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और एक अच्छी निशानी है सिंधुदुर्ग में कुल मिलाकर। अच्छे कॉमेंटेटर्स, अच्छे अंपायर, अच्छे स्कोरर, अच्छे बल्लेबाज, अच्छे क्रिकेटर्स, बहुत सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है और सिंधुदुर्ग नगरी इसीलिए तो जानी जाती है। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 29, क्रिकेट के लिए जानी जाती है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सुनील गावस्कर हो, इस गेंद के बाद लॉब किया, इस मरतबा मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है वाइड, मिड ऑफ पर बहुत ही खूबसूरत कैच और विकेट नंबर ये छठा गिरता हुआ। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 29 रन 6 विकेट के नुकसान पे और अब मैच में मात्र औपचारिकता ही रह गई है। सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट का जहां तक सवाल, नवंबर से शुरुआत होती है और अप्रैल तक टेनिस क्रिकेट चलता रहता है। नए बल्लेबाज अब बाबू, कितने गेंदे शेष है सर, चल गए 3 गेंदे शेष है, अब सिर्फ मैच में औपचारिकता। टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह गई, यकाएक गेंद नीचे रह गई गेंद और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। अब बल्लेबाज को पता चला है कि अब सिर्फ गेंद को सिर्फ खेलना है और कुछ नहीं है। लगभग जीत के दहलीज पर खड़े रत्नागिरी की टीम, एक गेंद अभी भी शेष है इस इनिंग की, जीत के कगार पर, दूसरे शब्दों में लगभग जीत के कगार पर अब रत्नागिरी की टीम और शायद मेरे ख्याल से प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी, शायद नहीं, अब ये कहना उचित नहीं रहेगा,
लॉब किया, इस बार दबा वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे और आउट, और इस तरह इनिंग भी समाप्त हुई इस कैच के साथ। बहुत बड़ी